Hello everyone, how are you all? I hope you all fit and fine wherever you are. So today I am back with again work feeling. पिछली बार हम लोगों ने work feeling किया था वही है, लेकिन थोड़ा सा level ऊपर लिया है. जैसा मैंने कहा था पिछली बार कि सबसे पहले वो first level का था, बहुत ही easy. ये भी easy है, only concept मैंने इस बार ज़्यादा रखा है interrogative and negative का, क्योंकि सारे टेंसेस कराने के बाद वी शुड बी एबल टू फिल अप अफर्मेटिव फॉर्मेशन एंड आफ्टर लर्निंग इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड WH इंटरोगेटिव वी शुड बी एबल टू फिल अप दिस ऑल फॉर्मेशन. तो आज इस पर बात करते हैं और बहुत ही आसान है. जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC की कर रहे हों, क्लरिकल की कर रहे हों, उन लोगों के फोर ऑप्शन आएंगे. तो फोर ऑप्शन इसमें कैसे आएंगे, उसमें देख ही एक आंसर बनता है, चार ऑप्शन हो जाएंगे. इसमें चार ऑप्शन तो होंगे, लेकिन वो चारों ऑप्शन में हर एक ऑप्शन के साथ दो दो दिए होंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का एक पूरा बैंड होगा. तो वो कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ेगा. अभी मैं भरते वक्त आपको बताऊँगा कि क्या चेक करना पड़ता है उस वक्त. अगर उसको चेक नहीं किया तो कई बार हम गलत भर कर आ सकते हैं. सो लेट्स सी. पहला जैसे लिखा है वेयर यू गो नाउ. अब इसमें दो ब्लैंक हैं, इससे पहले वाले जो भी किए थे एक ही ब्लैंक थे, तो एक ही वर्ड का आंसर होगा और चार ऑप्शन होंगे, यू हैव टू पिक वन द राइट वन. लेकिन यहाँ पे दो दो ब्लैंक्स हैं, तो दो दो ब्लैंक्स हैं, तो नेचुरली मान लो कि मैं एक करके बताता हूँ आपको कि ऑप्शन में कैसे है. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो ये बन रहा है आर गोइंग, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये मान लो ये है. तो ये दो दो है, इस तरीके से इज गोइंग दे दिया, वॉज गोइंग दे दिया, कुछ और भी बना के दे दिया, हैव गॉन बना के दे दिया. तो कुल मिला के अगर विधि आती है भरना, तो वो ऑप्शन हम आराम से पिक कर सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन कैसे दिया होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, क्योंकि दो ब्लैंक है तो दोनों ब्लैंक के ऐसे दिए होंगे, फर्स्ट ब्लैंक के लिए ये होगा और सेकेंड ब्लैंक के लिए ये होगा. इस प्रकार से दो वर्ड्स के आंसर होंगे, जो एक आंसर होगा और आपके पास में चार ऑप्शन होंगे. अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि कैसे भरा जाए. द मेन थिंग इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर कौन से टेंस की डिमांड कर रहा है. कई बार वो आपको एडवर्ब देगा, कई बार किसी कॉम्बिनेशन में देगा. जनरली 80% एडवर्ब के साथ में आते हैं और 20% ऐसे होंगे जो कॉम्बिनेशन बेस्ड होंगे. तो कुछ सीखा है हम लोगों ने, कुछ आज सीखेंगे, कुछ अगले वाले में सीखेंगे, इस प्रकार से आप सीख जाएंगे. बहुत ही आसान है, जस्ट फोकस. तो अगर आपको याद हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने लिखवाया है एडवर्ब नाउ. नाउ रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियम से भरना है तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा ये हमें यहाँ देखना है, आ रहा है. और वर्ब की मेन फॉर्म जो है आईएनजी के साथ आएगी. और वैसे भी मैंने ऐसा लाइन लिया है, ऐसा सेंटेंस लिया है कि जनरली बोलचाल की भाषा में ही ये आ जाता है, वेयर आर यू गोइंग नाउ, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हो. समझाने के लिए मैंने इजी लिए हैं ब्लैंक्स, तो आप समझ में आ सकता है आपको आसानी से. उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये एवरीडे है, ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये कौन सा इंट्रोगेटिव है, WH नहीं है. कोई बात नहीं, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है. नॉट टू फियर, वाई बिकॉज इफ यू नो द रूल्स एंड द कंसेप्ट वेरी वेल यू कैन फिल अप. अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा बना सकते हैं, डू कम एक बना दिया, डज कम दूसरा बना दिया, डज कम्स तीसरा बना दिया, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. तो ये अगर कुछ भी ऐसा बना दिया तो उसमें से एक राइट आंसर पिक करना. और वैसे जो लोग टेंथ में हैं या इलेवंथ में हैं या उससे नीचे वाली क्लासेस में, उनके लिए तो यही पैटर्न में आता है. तो आपको क्या देखना है कि पहले तो ये पता लगाना है कौन सा टेंथ का, तो ये पता लग गया प्रेजेंट सिंपल का है. तो प्रेजेंट सिंपल का है तो प्रेजेंट सिंपल का जो रूल है इंटरोगेटिव का वो फॉलो होगा. तो ही के लिए हेल्पिंग वर्क क्या आएगा, डज आएगा, और फर्स्ट फॉर्म ही होगी इसलिए आंसर हो जाएगा डज ही कम. अगर यहाँ से देखा जाए तो ये आंसर होगा. तो ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर ऑप्शंस में आते हैं तो किस पैटर्न में आएंगे और वैसे भरना होगा तो कैसे भरना है. अब देखते हैं सारे आगे.
अब यहाँ पर है डेली, अगेन ये डेली रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट सिंपल को, और प्रेजेंट सिंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नेचुरली प्रेजेंट सिंपल में भरेंगे, लेकिन यहाँ लिखा है नोट मीट, इसका मतलब डिमांड जो है एग्जामिनर की नेगेटिव भरने की है, तो हम नेगेटिव रूल से जाएंगे इसमें। तो प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल के लिए सी के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, डज, डज के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट, और फर्स्ट फॉर्म मीट, सी डज नॉट मीट मी डेली, वो मुझसे रोज नहीं मिलती है, ये इसका अर्थ भी निकल जाएगा। और मैंने कहा ना जब फिलिंग दी ब्लैंक्स हम भरना सीख जाते हैं, इट इज़ एज गुड एज यू आर राइटिंग द सेंटेंसेज, इट इज़ एज गुड एज दैट यू आर स्पीकिंग ऑन द पेपर, फाइनली वंस यू नो ऑल दिस टेक्निक वेरी वेल यू कैन स्पीक वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, ओनली थिंग व्हाट यू नीड ए लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट कॉन्फिडेंस यू हैव टू ओनली बिल्ड अप एंड यू कैन बिल्ड अप दिस कॉन्फिडेंस, देर इज नो प्रॉब्लम। अब आते हैं अगले वाले में, यस्टरडे, यस्टरडे आपको याद होगा किसको रिलेट करता है, पास्ट सिंपल को, लेकिन पास्ट सिंपल तो वर्ब सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ इंटरोगेटिव है और वो भी कौन सा है, डब्ल्यू एच है, कोई बात नहीं, डब्ल्यू एच हो या नॉर्मल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे, वैसे यहाँ यू है लेकिन कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड। उसके बाद में क्रिया की फॉर्म जो होगी वो फर्स्ट ही होगी, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू मेनी पीपल कमिट मिस्टेक, अगेन दे सेलेक्ट योर सेकेंड फॉर्म, कैसे, डिड बॉट, ऐसा वाला सेलेक्ट करके आ जाते हैं, डिड होगा उसके बाद में ऐसा होगा, ये सोचते यही सही है, बिल्कुल गलत है, ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी यहाँ पे, सो बी केयरफुल अबाउट दिस एंड इट कीप्स ऑन कमिंग इन एग्जामिनेशन, सो इम्पॉर्टेंट फॉर इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन एस एस सी क्लरिकल एग्जाम ऑफ ऑल द नेचर इट कीप्स ऑन कमिंग। तो यहाँ डिड हो गया और ये फर्स्ट फॉर्म हो गया बाय, सो व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे, कल आपने क्या खरीदा, इसकी हिंदी ऐसी बन जाएगी। मैं हिंदी भी क्यों बोल रहा हूँ, इफ़ यू कीप लिसनिंग हिंदी एंड इफ़ यू नो द सेंटेंस दैट दिस सेंटेंस कैरीज दिस मीनिंग यू आर स्पीकिंग ओनली। नाउ हियर लुक, लुक इज वर्ब बट विद द एक्सक्लेमेटरी साइन, इट गिव्स द इंडिकेशन दैट इट इज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड वी हैव टू गो विद द प्रेजेंट कंटिन्यूस, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में भरना है, ठीक है, लेकिन दिया हुआ क्या है, नेगेटिव की डिमांड है, नॉट वर्क, तो हम सीधा नॉट वर्किंग ऐसे तो लिख नहीं सकते, कई लोग ऐसे पिक करके आ जाते हैं, हमें बिल्कुल नियम से चलना पड़ेगा। नियम क्या है कि ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए इज आ गया, फिर क्या आ जाएगा, नोट, और उसके बाद में आई एन जी फॉर्म इज नॉट वर्किंग, इस प्रकार से ये तैयार हो गया, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, देखो वो काम नहीं कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो लोग एसएससी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, क्लरिकल में जा रहे हैं, या टेंथ वाले हैं, या कोई भी एग्जामिनेशन हो, सो इम्पोर्टेंट, तीनों का अर्थ करीब करीब एक जैसा ही है, पर फर्क क्या है आप जरा ध्यान से समझें, एक मार्क्स श्योर है, आई एम टेलिंग यू, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो इनमें से एक जरूर आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी है, ऑलरेडी अगर आपको याद हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट वाला दिया होगा, हैज और ली का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, इस प्रकार से आपको आंसर दिया होगा, ये किसके लिए किसके लिए, ये बिल्कुल ही गलत आंसर माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा, यहाँ पर क्रिया सेकंड फॉर्म की है, जो मैंने पहले वाले वीडियोस में बताए थे आपको बिफोर एंड आफ्टर के रूल्स, और उसके बाद में वर्ब फॉर्मेशन में आपको भर के बताया था बिफोर एंड आफ्टर वाला, वैसा ही कुछ है, डिलेड एक्शन है, एक क्रिया होती है दूसरी क्रिया से बाद में या पहले ऐसे सिचुएशन में, तो वो की वो बात है, सिर्फ इसमें बिफोर दिख नहीं रहा, अदरवाइज बिल्कुल सेम है। कैसे, वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन ऑलरेडी लीव, मतलब ट्रेन तो जा चुकी थी, तो जा चुकी थी वो पहला एक्शन है, पहला एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, या तो ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, अगर ऐसे याद नहीं रख सकते तो ऐसे याद रखो कि ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आता है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म लेफ्ट आएगी, लेकिन जब भी क्रिया जुड़ जाती है किसी पास्ट की घटना से तो वो प्रेजेंट की चीज को भी पास्ट बना देता है,
तो हैज का पास्ट क्या बनेगा? हैड। ऐसे भी इसलिए मैंने वहां लिखा है, तो हैज का पास्ट हैड, और लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही होता है, तो ये लेफ्ट, ये वैसे वैसे आ जाएगा, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। तो दो मेथड हैं इसको आइडेंटिफाई करने के, या तो वो डिलेड एक्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर डिलेड एक्शन से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपने अगर मान लो कि प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से भी इसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म आपके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू सी एट द लेफ्ट हैंड साइड, इफ इट इज रिटन इन द पास्ट देन यू हैव टू चेंज इन द पास्ट। और मैंने जब टेंसेस पढ़ाए थे तब आपको बताया था हैज हैव को पास्ट में हेड लिखते हैं, तो यहाँ पे हैज आ रहा है, उसका पास्ट क्या हो गया? हेड हो गया, और थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो गया। अच्छा, मैंने ये लीव क्यों लिया है? बहुत सारे बच्चे लीव का थर्ड फॉर्म लीव डी लिख देते हैं, या कई बार ऑप्शन में भी ऐसा दे देते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग, बी केयरफुल। लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, लेफ्ट का कई मीनिंग है, लेफ्ट का मतलब बायां भी होता है ना, लेफ्ट का मतलब बचा कुचा भी होता है, और लेफ्ट का मतलब थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों होती है, चले जाने की या निकल जाने की, तो आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता अगर आप ध्यान से देखें, लेकिन यहाँ पे क्या है, एज सून एज। एज सून एज क्या रिप्रेजेंट करता है? कि क्रिया एक के बाद एक तुरंत हुई है, उसमें कोई डिले एक्शन नहीं है। डिलेड एक्शन नहीं होने की वजह से ये दोनों ही पास्ट सिंपल में चला जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको पास्ट सिंपल मिल गया सेकंड फॉर्म एज सून एज के साथ में। अगर एज सून एज के साथ में सेकंड फॉर्म है तो 100%, ऐसा भी नहीं कि 99.9% जर्म स्किल्स, ऐसा आज का सैनिटाइजर के बोतल पे लिखा हुआ था, यहाँ वैसा कुछ नहीं है। 100% एज सून एज अगर आ गया और उसके बाद में सेकंड फॉर्म है, तो आपका अगला जो भी ब्लैंक होगा दैट विल गो इन सेकंड फॉर्म ओनली, क्योंकि जब भी डिलेड एक्शन नहीं होता है और पास्ट की घटना घटी एक के बाद एक, दोनों ही पास्ट सिंपल में जाते हैं। यही बेसिक रूल है, आप इसको याद कर सकते हैं, अपने नोट बना सकते हैं। सेकंड फॉर्म आ गया, लेफ्ट सीधा आ जाएगा, और आंसर इज रेडी। और इसकी हिंदी क्या बन गई? जो ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल गई, मतलब ट्रेन जाने और आपके पहुंचने में जो अंतर था बहुत कम था, यहाँ तो अंतर बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो फर्स्ट एक्शन हो गया और ये सेकंड एक्शन हो गया। अब आपको शायद समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं नीचे, एज सून एज को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये सब चीज़ें अंग्रेजी के लास्ट स्टेज में सीखी जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सारे टेंसेज, पेसिव वॉइस, मॉडल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशंस, डिटरमाइनर्स, ये सारे सीखने के बाद में कहीं स्थिति बनती है कि हम सीखें ये सारी चीज़ों को, क्या है कंजक्शन, और उसी में फिर कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो ये सारे सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल टू सिंपल बनाना, तो लास्ट में आ, लेकिन वो सब लास्ट में सीखेंगे, लेकिन इससे पहले इतना तो हम सीख ही सकते हैं कि एज सून एज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ये नो सूनर डिड में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल वो का वो है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर है, यहाँ पर डिड अगर आ गया, जैसा मैंने कहा था पहले भी कि बैलेंसिंग एक्ट देखना है, डिड इज सेकंड फॉर्म, तो अब ये यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लेगा, इसलिए ये और भी ज़्यादा एग्जाम में आता है। ये तीनों में से एक आपको जरूर मिलना ही मिलना है एग्जाम में, चाहे वो टेंथ का एग्जाम हो, क्लरिकल हो, एसएससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही भरा जाएगा। और क्यों भरा जाएगा? इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ डिड आ चुका है, यहाँ पर मैंने कॉमा लगा दिया है, यहाँ पर देन भी लिखा हो सकता है ऐसा, लेकिन नहीं तो कॉमा होगा, तो जैसा भी हमें तो कुछ जोड़ना तो है नहीं यहाँ पे, पर मैंने कहा कई बार आप पढ़ोगे तो देन टी एच एन वाला तुलनात्मक, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री है, सून सुनर सुनेस, सुनर आ रहा है, सुनर के साथ में देन का प्रयोग हो सकता है, पर आजकल क्या ट्रेंड है, कॉमा लगा देते हैं। अब ये दोनों ही तो पास सिंपल है, ये भी पास सिंपल है, डिड है, और ये डिड बाहर आने के बावजूद भी इंटरोगेटिव नहीं हो रहा है, क्योंकि दिस द पार्ट ऑफ दिस, तो इसलिए इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में नहीं है, अफर्मेटिव ही है, और दोनों का बिल्कुल अर्थ वही है, और यहाँ पे भी ये बिल्कुल, ये दोनों एकदम भाई भाई हैं। आप ये यूज़ करो लिखने में, बोलने में आप ये यूज़ करो, इट्स सेम। एज सून एज आई रीच देयर एवरीथिंग वॉज ओवर, लाइक वाइज नो सूनर डिड आई रीच देयर एवरीथिंग वॉज ओवर, लाइक वाइज। तो आपने यहाँ पे देख लिया, अब आ जाते हैं वापस, थोड़ा सा इंटरोगेटिव वाले ले लिए मैंने, इसमें कोई भी एडवर्ब नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब कोई एडवर्ब नहीं दिया होता है तो जनरली यहाँ पे मैं बोलूँगा 99%, 1% चांस है कि आंसर कुछ और ले सकता है एग्जामिनर,
अदरवाइज बिना एडवर्ब वाले होते हैं तो वो सिंपल रूटीन वाले ही होते हैं और कुछ आदतों से जुड़ी होती है, हैबिचुअल एक्शन जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये है कि पूछा जा रहा है कि भाई वो कहाँ रहता है। अब वो कहाँ रह रहा है ये भी तो हो सकता है, अगर उसकी ये डिमांड होगी कि वो कहाँ रह रहा है तब तो वो आपको एडवर्ब जरूर देगा यहाँ पर। उसकी डिमांड यही है कि वो कहाँ रहता है, मतलब उसने एडवर्ब नहीं दिया है, इट मीन्स ही वॉन्ट्स प्रेजेंट सिंपल फ्रॉम यू। तो नेचुरली अब प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे ही है सब्जेक्ट, उसके लिए डज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ली, सो वेयर डज ही ली, हो गया वो कहाँ रहता है। नाउ अगेन डब्ल्यू एच का लिया मैंने, डब्ल्यू एच वर्ड वॉट ले लिया है, सी है, यहाँ पे दो ब्लैंक है, नाउ इट इज एडवर्ब है, नाउ इट इज रिप्रेजेंट्स अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स यू नो दैट इज आर एम प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अब इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, सी के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे अंदर आता था ईज उसकी जगह बाहर आ जाएगा, सो वॉट इज सी एंड डू आई एन, इन दिनों वो क्या कर रही है, ऐसा प्रश्न किया गया है, सो वॉट इज सी डूइंग। अब बोलचाल में बोल देते हैं वॉट सी इज डूइंग नाउ इट इज, चल जाता है, बट दैट इज नॉट इंटरोगेटिव, माइंड इट। इंटरोगेटिव तभी बनता है जब सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब हो। बोलचाल में आप गलत भी बोलते हो एंड इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट इट्स ऑल ओके, बट ग्रामेटिकली यू कैन नॉट राइट एंड ये ग्रामर चेक करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसा आंसर आप लिख नहीं सकते। अब आ जाओ यहाँ पर कोई एडवर्ब नहीं दिया है लेकिन एक सिचुएशन दी है, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ। शोर क्यों नहीं मचाने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पर वैसे भी देखो बी फॉर्म है और इसके बाद में आई एन जी फॉर्म दे दी, मतलब जो मेन वर्ब है वो आई एन जी फॉर्म में दे दिया है और सिर्फ आपको बी फॉर्म का भरना है। बी फॉर्म क्या होता है, इज आर है, वॉज वो ट्रांसफॉर्म है या बीन होता है, लेकिन अब आपको ये पता लग जाएगा कि प्रेजेंट के लिए बोल रहा है, बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस बन रहा है ये। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज, पढ़ के भी देख लो, डोंट मेक ए नॉइज द चाइल्ड इज स्लीपिंग, बिल्कुल बना बनाया सेंटेंस तैयार हो गया बोलने वाला भी। अब आ जाओ यहाँ पर लास्ट संडे, लास्ट संडे क्या है, पास सिंपल, पास सिंपल का इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो अब आपको भरना है, तो पास सिंपल के लिए आपको क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करना है जैसा भी सीखा है और फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। क्या पूछा गया, डिड सी गो टेम्पल लास्ट संडे, क्या पिछले संडे वो मंदिर गई, आंसर होगा गई, यस सी वेंट, और नहीं गई तो सी डिडंट गो, ये ध्यान रखना है, डिडंट के बाद अगेन फर्स्ट फॉर्म आएगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इन दिस सीरीज आल्सो, हियर अगेन आई हैव टेकन बी फॉर्म एंड सिंस मॉर्निंग, सो इम्पॉर्टेंट गाइस, सो इम्पॉर्टेंट, बहुत कुछ ऑप्शंस बना के दे सकते हैं आपको उल्टे सीधे, घटना पास से तो जुड़ी हुई नहीं है, इसका प्रेजेंट का मामला है नंबर वन, लेकिन क्या हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भर देंगे सिंस या फोर देखते हुए, बिल्कुल नहीं भर सकते बी की फॉर्म के साथ। तो अब क्या भरा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के नियम से जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज ये आ गया, एंड बी का यहाँ पर थर्ड फॉर्म लेंगे बीन, ये वी थ्री है वो अब थर्ड फॉर्म है, और ये आपका मैं वापस यहाँ साइड में लिखता हूँ, शायद कैमरा में आ भी जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट के नियम से भरा जाएगा ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से। तो ये बी की फॉर्म बहुत तंग करती है और बी की फॉर्म आप याद रख लो, जब भी सिंस या फोर के साथ जुड़ा हुआ आ रहा है इसका मतलब उसकी डिमांड जो है वो परफेक्ट की है। अब वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट, वो तो हमें सिचुएशन देखना पड़ेगा। अब ये क्यों प्रेजेंट में लिया है, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है दूसरा सेंटेंस, तो इट क्लियरली शोज दैट वी आर इन प्रेजेंट ओनली। इसकी हिंदी क्या बन गई, कि क्या वह सवेरे से यहाँ पर है, आंसर ऐसा हो सकता है, यस ही हैज बीन, नो ही हैज नॉट बीन। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड वेल दिस पार्ट टू ऑफ फीलिंग द वर्ब्स। सो लाइकवाइज इन द नेक्स्ट क्लास अगेन आई विल बी टेकिंग सम कॉम्बिनेशन एंड आई विल बी टेलिंग हाउ टू फिल अप। So, if you like us, please subscribe our channel, tell others also to subscribe. More and more important videos are coming now. After completion of the tense, we have opened up. Now, all the channels are open. So, now the very important things will be coming up. Please tell others also to watch and learn. Thank you very much for the day. Have a nice day.